का जो किरदार है वो अपने आप में ही बहुत पॉपुलर है, और ऊपर से अब ये है लागल ग्रह बताशा, तो टाइटल में अपने आप ही बहुत वजन आ जाता है। और इसमें जो मेरा किरदार है वो एक सुपर मॉडल का है, और बहुत ही अच्छा किरदार है, इसीलिए मैंने इस फिल्म को करने की इच्छा जाहिर की जब मैंने कहानी सुनी। और किरदार से भी ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो इतना कसा हुआ है कि एक सीन से दूसरे सीन के बीच में बोरियत के लिए या सोचने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मुझे ये किरदार करने में बहुत मज़ा आ रहा है अभी तक जो किया। और इस टीम में जितने भी एक्टर्स हैं सभी मजे हुए हैं, प्रकाश जैस जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, उनको तो मैं बोलता हूँ टैलेंट का पावर हाउस, आम्रपाली जी हैं, तो जब अच्छे अभिनेताओं के साथ काम करते हो ना तो आपकी एक्टिंग भी अपने आप ही अच्छी हो जाती है, जैसे आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हो तो आप भी अपने आप अच्छे हो जाते हो, वही है बिल्कुल। आपके शब्दों में आप बताइए फिल्म की कहानी क्या है, क्या किस किस जॉनर की फिल्म है, हार्डकोर कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है या कुछ और है? देखिए ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म भी है, इसमें ड्रामा भी है, इसमें इमोशन भी है और इसमें रोमांस भी है, लेकिन ये सबकी एक अलग अलग परिभाषा दर्शाती है ये फिल्म। जैसे रोमांस और प्यार, आज तक हर किसी ने जो अपने दिमाग में सोचा होगा वैसा प्यार नहीं है इसमें, इसमें दो तीन तरीके के प्यार हैं कि प्यार ऐसा भी हो सकता है, प्यार वैसा भी हो सकता है, प्यार वन साइडेड भी हो सकता है, प्यार टू साइडेड भी, प्यार थ्री साइडेड भी हो सकता है, तो वही इस फिल्म में दर्शाया। तो हर इमोशन को दो तीन तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, जो मुझे सबसे अलग लगा इस फिल्म में। इस फिल्म में क्या आप आम्रपाली दुबे के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग रोमांस करते हुए भी नज़र आएंगे, हम लोग डांस करते हुए भी नज़र आएंगे, हम लोग लड़ाई करते हुए भी नज़र आएंगे, तो सब कुछ देखने को मिलेगा जनता को। और नचनिया रिलीज़ हुई, आपकी पहली फिल्म नचनिया रिलीज़ हुई, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया आपको दर्शकों से मिली ये ज़रा बताएं। जी देखिए, नचनिया एक बहुत अलग तरह की फ़िल्म है, और इंडस्ट्री में जितने लोगों को भी हमने फ़िल्म दिखाई सभी को ये फिल्म पसंद आई, तो हम लोग थोड़ा ये भी थे कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, हमें आइडिया नहीं था जनता का रिस्पांस क्या होगा, हमने चीज़ों को बहुत खुला छोड़ा हुआ था कि जो भी जनता का रिस्पांस होगा हमें एक्सेप्ट होगा। लेकिन लकीली फ़िल्म यूपी में रिलीज़ हुई और यूपी में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला ऑडियंस का, और लोगों ने जैसा कि इस फिल्म के बारे में मैंने सोचा था कि शायद स्लो ओपनिंग मिलेगी और माउथ पब्लिसिटी से फिल्म चलेगी, वैसे करते करते फ्राइडे से संडे तक ये फिल्म फुल हो गई सिनेमाघर में। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने इस फिल्म के लगातार चार शो देखे हैं और वो थिएटर से निकले और उन्होंने चारों टिकट्स दिखाए हैं, तो लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही है, लोग जा रहे हैं घर पर और अपनी वाइफ को बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि भोजपुरी फिल्म में महिलाओं का आगमन शुरू हुआ है इस फिल्म के ज़रिए, और अगर हाउसफुल गई है फिल्म तो उसमें 50% महिलाएँ और बच्चे थे, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी या सुपर हिट होगी या नहीं होगी, उससे ज़्यादा मेरे लिए मैटर ये करता है कि क्या कुछ बदल रहा है। हाँ बदल रहा है, और बदलाव की शुरुआत धीरे 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 ही शुरू होती है, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है यूपी में। 1 तारीख को फिल्म बिहार में रिलीज़ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जनता लगभग इमोशनली एक ही तरह से फिल्म से अटैच होती है, मैंने देखा है सब लोग इमोशनली बहुत कनेक्ट हो जाते हैं फिल्म से, तो मुझे लगता है बिहार में जो रिस्पांस मिलेगा वो यूपी से ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, दिल से जुड़ रहे हैं लोग, कलाकार की कहानी है और सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के ऊपर है, हमारी जो लोक कला लौंडा नाच के ऊपर है, तो लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर जा रहे हैं। आपने जो सोच कर जिस इरादे से या जो भी आपका उद्देश्य रहा हो फिल्म करने का, आपको लगता है ये फिल्म करने के बाद आपका वो उद्देश्य या फिर वो चीज़ें पूरी हो सकी? जी मेरा उद्देश्य ये था कि देखिए, फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी या सुपर हिट होगी ये कोई भी इंसान गारंटी नहीं दे सकता, मैं उसी चीज़ पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस करना, अच्छी फिल्म करना और ईमानदारी से काम करना था, जो मैंने पूरा किया है और मेरी टीम के हर इंसान ने किया है। तो हमारा सबसे जो अच्छी बात है वो हमारे प्रोड्यूसर ने कहा था कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसे मेरा परिवार मेरे साथ बैठ के देख सके, और वो उद्देश्य सक्सेसफुल हुआ है। क्लीन यू सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को, और पूरा परिवार, चाचा मामा, बच्चा बच्ची, दादा दादी, नाना नानी, पर नाना पर नानी, सब लोग साथ में बैठ के फिल्म को देख सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य था जो पूरा हो रहा है। अब नचनिया के बाद